असल स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू ऑल ऑफ यू इनदर वीडियो लेक्चर ऑफ स्का नॉन लिविंग थिंग्स का लेक्चर नंबर टू है स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे रिवाइज करेंगे और लिखेंगे नेम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कि जो पहला हमने लेक्चर था उसको एक तो रिवाइज करेंगे मजीद ये कि कुछ और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे उनके नेम्स को लिखेंगे तो जल्दी से पे नंबर टू ओपन करे फॉर रीडिंग हरिया वन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स देर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स अराउंड नंबर वन लिविंग थिंग्स नंबर टू नॉन लिविंग थिंग्स So, number one, living things. Living things eat, respire, grow, and move on their own. Animals, plants, man, birds, and insects are living things. Number two, non living things. Non living things do not eat, respire, and grow. They cannot move on their own. Doll, sofa, cot,

जैसे कि सबसे पहले क्या है सोफा है देन लाइन देन हमारे पास कॉट एंड प्लांट पेंसिल स्पैरो हम इसे कैटेगराइज करेंगे लिविंग थिंग्स को अलग करेंगे नॉन लिविंग को अलग करेंगे तो ये आपके सामने सॉल्यूशन मौजूद है बॉय प्लांट लाइन एंड स्पैरो क्या है ये लिविंग थिंग्स है नेक्स्ट सोफा कार्ड एंड पेंसिल इन द्या है ये नॉन लिविंग थिंग्स नेक्स्ट स्टूडेंट असाइनमेंट आंसर दीज क्वेश ब्लैंक्स है और ये जो एक्टिविटी है स्टूडेंट ये जो असाइनमेंट है इसको आपने बुक पे कंप्लीट करना है बुक पे स्पेस दी गई है वहां आप ये इसको है सोल्यूशन जो है वो लिखेंगे सो फर्स्ट स्टेटमेंट है ए साइकिल इज ए डैश थिंग सेकेंड है Dash things eat, grow and move. Third, hay, man is also a dash thing. Next hay, tick the correct answer. Kya options are the correct answer option options A thing which doesn't eat and grow. And options are a balloon and a god. So answers the given

खाना खाती है ना ग्रो करती है तो आंसर इज बैलून बैलून ना तो खाना खाता है ना ग्रो करता है नेक्स्ट है सामने नंबर टू ज्वाइन थिंग्स विद सूटेबल वर्ड के हमारे पास सामने सिक्स पिक्चर्स हैं हमें जो उससे रिलेटेड वर्ड है उसके साथ अटैच करना है और वो वर्ड्स कौन से हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग तो इनमें से जो लिविंग थिंग्स हैं उनको लिविंग के साथ कनेक्ट कर देना है और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जैसे साइकिल जो है ये क्या है ये नॉन लिविंग थिंग्स प्लांट जो है ये क्या ये है एक लिविंग थिंग है फुटबॉल क्या है ये नॉन लिविंग थिंग है गॉड क्या है ये लिविंग थिंग है और हेड क्या है ये नॉन लिविंग थिंग और बॉय बॉय क्या है एक लिविंग थिंग है सो नेक्स्ट लास्ट जो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो क्या है मेमोराइज दीज आंसर ऑफ क्वेश्चन तीन क्वेश्चन है जिनके आंसर आपने नोटबुक पे लिखने और उन्हें याद भी करना है So first question is write names of five living things. Panch living things ke naam batayin, So first one is man, horse, second is horse, third is lion, fourth is eagle, and fifth is mango tree are living things. Ye panch ke naam the. Next a question: write names of five non-living things. Ke panch, बेजानशिया के नाम लिखे तो आंसर क्या है जी बुक चेयर डॉ ग्लास एंड कार आर नॉन लिविंग थिंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स वी सी वी सी टू टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स फर्स्ट वन इज प्लांट एंड सेकेंड वन इज एनिमल्स दो तरह की जानदार अशिया हम देखते हैं एक प्लांट और दूसरी किस्म है एनिमल नेक्स्ट एक्टिविटी है स्टूडेंट्स राइट एल अंडर थिंग एंड एन अंडर द नॉन लिविंग थिंग पिक्चर्स दी गई हैं, उनमें से जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके नीचे हमें एल लिखना है और जो नॉन लिविंग है उनके नीचे लिखना है एन सो नेक्स्ट एक्टिविटी है कलर द पिक्चर के जो पिक्चर्स दी गई है एक ट्री की है और एक एलिफेंट की तो हमें इसे कलर करना है तो so, सोल्यूशन भी दिया गया है कि जो लैम्प है वहां हमने लिख दिया एन जो प्लांट है वहां एल जो थर्मस है वहां एन क्योंकि वो नॉन लिविंग है और जो पांडा है वो लिविंग है तो उसके साथ हमने एल तो ये था स्टूडेंट्स फर्स्ट यूनिट का सेकेंड लेक्चर और लास्ट लेक्चर ऑफर आपको समझ आई होगी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज